फिल्मी बीट तो बाबा मस्त चैनल है, एकदम मस्त मस्त चैनल है फिल्मी बीट। तो इस पे आना तो मेरे लिए भी बहुत ऑनर की बात होती है। अभी एक सीरियल कर रही हूँ उसका तो है ही, फिर कुछ ब्रांड्स हैं, फिर अभी मेरी खुद की फिल्म शुरू हो गई है शॉर्ट इन द डार्क हे राम। अपना भवानी काकू का कैरेक्टर बहुत मिस करती हूँ। मेरे आप लोग इंस्टा रील्स वगैरह भी देखोगे या इंस्टा पोस्ट भी देखोगे तो उसमें दो चार पोस्ट के बाद एक तो गुम का पोस्ट होता ही है मेरा खुद का। हाय, सो आज मैं गुम के सेट पे नहीं हूँ, गुमे किसी के प्यार में के सेट पे नहीं हूँ। आज मैं कुछ और कर रही हूँ, स्टार के लिए ही कर रही हूँ, लेकिन स्टार प्रवाह के लिए कर रही हूँ। और इस शो का नाम है पिंकी सा विजय सो, इट्स अ मराठी शो। और उसमें मैं एक डॉक्टर का, सर्जन का रोल कर रही हूँ। सो कुछ चेंज इन लाइफ, मज़ा आ रहा है। एंड अभी पैकअप हुआ है और तो मैं आज करने वाली हूँ पैकअप स्टोरी फिल्मी बीट के साथ। आइए साथ में। अभी हम निकले हैं ना पिंकी सा विजय सो इस सेट से, तो अब गुम है किसी के प्यार में का सेट यही बस दो कदम की दूरी पर है। और वहाँ पर माथा टेके बने मैं तो नहीं आगे जा सकती। सो मैं अभी वहाँ पे एक मिनट के लिए रुकूंगी, थोड़ा सा हाय हेलो करने की कोशिश करूँगी अगर कोई है। पता नहीं मुझे आज शूटिंग किसका है किसका नहीं है। सो लेट्स सी, ये आ गया मेरा गुम है किसी के प्यार में का सेट। ये गुम है किसी के प्यार में। चलते हैं अब हमारे घर। आज मेरा ये सफर है फिल्मी बीट के साथ, सुरभि के साथ, भावेश के साथ। और बस अभी हम इसके आगे ना, एक्चुअली मैं शाम का ऑलरेडी वक्त लिया था किसी से, मुझे पता था आज काम कम है इस सेट पे। सो कोई है जो कुछ कोलैबोरेशन के लिए आ रहे हैं कुछ कॉस्ट्यूम वगैरह का, सो उसमें मैं बिजी हो जाऊंगी वंस आई रीच होम। बट ठीक है, लाइफ अच्छी रहनी चाहिए, बिजी रहनी चाहिए। बिजी होते हैं ना तो मस्त एनर्जी मिलती है ना, एनर्जी। आवाज आ रही है ना डॉक्टर? सो एक बार आपका हमने किया था घर से लेके सेट तक का टूर, अभी हम कर रहे हैं सेट से घर तक का टूर। हाँ, एक बार शायद तुम्हारे साथ मैंने वो शो पर भी खाई थी ना। शिवपुरी वैसे बारिश के सीजन में ज़्यादा मैं बाहर का कुछ खाती नहीं हूँ, नहीं तो बड़ा मन होता है ऐसे थोड़ा सा जल्दी पैकअप हो तो। सुबह में ऐसा होता है कभी आप पैकअप के बाद जा रहे हो, आपको याद आया हो कि मुझे ये सामान लेना है या कुछ करना है, तो आप रास्ते में रोक के वो सामान लेते हो, ऐसा कभी होता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो होम मेकर भी हूँ ना। तो नेचुरली ऐसे बहुत सारी नीटी ग्रिटीज होती है जो खुद को पूरी करनी पड़ती है। कभी कुछ मेडिकल से लेना हो, कभी सुपरमार्केट से कुछ लेना हो, पर मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करती। मैं जो रास्ते में दुकान आते वहाँ पे पार्क करते 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 अपना काम करती हूँ, ज़्यादा मॉलों में चक्कर नहीं लगाती। थोड़ा क्विक चाहिए होता है मुझे हर चीज़। सो रिटेल शॉप्स में जाके जो रास्ते में आते हैं कुछ दो चार हैं जहाँ से कुछ ज़रूरत की चीज़ें मैं पिकअप कर लेती हूँ फिर। और अगर गुम की बात करें सो अभी जो चेंजेस तो काफ़ी हो गए हैं, सो अभी कैसा अभी स्टोरी जो चल रही है वो लोगों को पसंद भी आ रही है काफ़ी, एंड आपको कैसा लग रहा है, आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? वेल, स्टोरी अभी फ्रेश हो गई है, मतलब ये है कि पहले के काफ़ी सारे जो कैरेक्टर्स थे उनकी जो स्वभाव सबको पता चल चुके थे। अभी एक न्यू जनरेशन, न्यू फैमिली, न्यू सारे एक्टर्स आने के बाद वो थोड़ा एंटिसिपेशन शायद कम हुआ होगा और स्टोरी फ्रेश लग रही होगी ऑडियंस को। और हम लोग तो खैर ब्रिज है, मैं भवानी कैरेक्टर जो है और अश्विनी है और निनाद है, हम तीनों का कैरेक्टर तो जैसे मानो एक ब्रिज है फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर जनरेशन। सो जब तक ब्रिज पर रखेंगे हम हैं। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, मैं सेट ही बहुत मिस करती हूँ, मैं अपना भवानी काकू का कैरेक्टर बहुत मिस करती हूँ।
मेरे आप लोग इंस्टा रील्स वगैरह भी देखोगे या इंस्टा पोस्ट भी देखोगे तो उसमें दो चार पोस्ट के बाद एक तो गुम का पोस्ट होता ही है मेरा खुद का कि आई एम मिसिंग माई फैमिली एंड ये बहुत हार्श ट्रुथ है एक्चुअली जिंदगी का कि यू हैव टू मूव ऑन. मतलब बोलने के लिए बहुत एक सीधा एक लाइन है, यू हैव टू मूव ऑन. अरे दिल है, दिमाग है, सब जो इन्वॉल्वमेंट्स हैं उसका क्या करें. अच्छा, आपके लुक को ऑडियंस भी काफ़ी मिस करती है, पुरानी वाली पुरानी का. हाँ, वो क्या होता है जैसे इतना डेकोरेशन था ना मेरे ऊपर, बहुत सारे हैवी हैवी नेकलेसेस, कान के इतने बड़े बड़े, ये वो सब लुक, एकदम नवारी साड़ी, तो काफ़ी लेडीज फॉलो करती थी ये लुक को, अप्रिशिएट करती थी कि मुझे ऐसे गहने बनाने हैं, मुझे ऐसी साड़ी पहनानी है जो भी है उनके फंक्शंस में, इवेंट्स में वगैरह. तो वो जो एक लुक अप टू योर फैशन, जो आपका स्टाइल होता है सीरियल्स में, द ऑडियंस जो होती है लेडीज, वो दे लव टू वॉच समथिंग न्यू, समथिंग कुछ इंटरेस्टिंग एंड डेकोरेटिव एंड ऑल दैट, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में तो बेचारे करते नहीं है, एटलीस्ट इवेंट्स में कर सकते हैं ऐसा टाइप का. बहुत वो मिस करते हैं वो लोग भी भवानी काकू का कैरेक्टर, और मैं तो मतलब मैं क्या कहूँ, मैं तो जी रही थी वो कैरेक्टर. अरे मुझे अच्छा लगता है उल्टा. मतलब क्या होता है सीरियल में जो कैरेक्टर होता है वही ऑडियंस के इमेज बन जाती है, तो ऐसा तो है नहीं, हम कुछ और होते हैं एक्टर्स. सो वो आप हमारे नेचुरल टाइमिंग कैच कर लेते हो ना, हमारे नेचुरल बिहेवियर, वो मुझे बहुत पसंद है. एंड फिल्मी बीट तो वाह मस्त चैनल है, एकदम मस्त मस्त चैनल है फिल्मी बीट. तो इस पर आना तो मेरे लिए भी बहुत ऑनर की बात होती है. थैंक यू सो मच सुरभि एंड भावेश. थैंक यू सो मच सुरभि एंड भावेश, आप लोग मुझे कवर करते रहते हो, तो मजा आता है. मैं सोचती हूँ कि आप लोग इतनी मेहनत करते हो, कहाँ कहाँ सेट हो जाते हो, खाने पीने का ठिकाना नहीं तुम लोग का, और कभी बारिश है, कभी कहाँ से निकले हो, कहाँ पहुँच रहे हो, आप लोग को ही नहीं पता सुबह का हुई और रात का हुई है. सो आई थिंक इट्स सैल्यूट आप दोनों के इस मेहनत के लिए, फिल्मी बीट की प्रोग्राम्स के लिए, जो भी पोस्ट है सब हम फॉलो करते हैं. एंड फिल्मी बीट इज़ रियली इंटरेस्टिंग, आई थिंक एवरीबडी शुड फॉलो फिल्मी बीट एंड शेयर लाइक सब्सक्राइब. फिल्मी बीट के साथ पैकअप स्टोरी करके मजा आ गया. एंड बस आज मेरी थोड़ी सी भाग दौड़ है, तो साथ में बैठ के कुछ खा पी लेते, मुझे कहीं और पहुंचना है, सो इसलिए शॉर्टकट मार रहे हैं. बट ये पैकअप स्टोरी इज़ रियली वंडरफुल कि पूरे दिन की जो थकान है वो आपसे बात करके मिट जाती है, मज़ा आता है. काफ़ी बिजी स्केड्यूल चल रहा है कि ये जो अभी एक सीरियल कर रही हूँ उसका तो है ही, फिर कुछ ब्रांड्स हैं, फिर अभी मेरी खुद की फिल्म शुरू हो गई है शॉर्ट इन द डार्क हे राम, जो मेरे हस्बैंड दीपक बलराज विच काफ़ी समय के बाद डायरेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने सैलाब, जानते नाम, हफ्ता बंद जैसे काफ़ी सिल्वर जुबली फिल्म की है, बॉम ब्लास्ट. सो ये अभी वो कर रहे हैं शॉर्ट इन द डार्क हे राम, और उसमें मेरा बेटा बॉबी विच उसमें इज प्लेइंग द लीड, एंड देयर विल बी मोर एंसेंबल कास्ट, पॉपुलर कास्ट और भी आने वाले हैं. सो हमारे शूट है अभी लखनऊ में, 23rd आई विल बी गोइंग टू लखनऊ फॉर अ वीक. वहाँ पे अयोध्या में शूटिंग है, लखनऊ अयोध्या, क्योंकि जो हीरो है ऐसा मतलब है कुछ स्टोरी की, शॉर्ट इन द डार्क है राम टाइटल है फिल्म का, तो बॉबी विच कम्स फ्रॉम देयर ऐसा है. It's a nice story और interesting है. नाम क्यों? ये नाम इसलिए क्योंकि ये जन जागृति वाली फिल्म है,
मतलब गन बेसिकली गन का वो लेकर है, जन जागृति वाली फिल्म है. सो इसलिए वो शॉट इन द डार्क हेरा करके है फिल्म. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. इट्स एन इंटरनेशनल इशू जो हैंडल करने वाले हैं इस फिल्म में, सब्जेक्ट में. एंड वेरी इंटरेस्टिंग, थ्रिलिंग भी है. एंड टॉपिक इज वेरी वेरी यूनिवर्सल, मतलब पूरी यूनिवर्स इससे दुखी है और इसका सोल्यूशन ऐसे टाइप का टॉपिक है. मैं नहीं, मैं बता दूंगी. मैं मदर प्ले कर रही हूँ, बॉबी विच जो मेरा बेटा है उसी की मदर का कैरेक्टर है. और एक्चुअली वो सूटेबल है मुझे, वो रोल भी सूटेबल था बॉबी को, इसलिए वो दिया गया. बॉबी हैड टू गिव ऑडिशन फॉर द कैरेक्टर. तो काफ़ी लड़कों के बाद फिर दीपक जी को लगा कि ये बचपन से ही इतना ट्रेन हो चुका है, वो खुद अपने आप थिएटर कर चुका है. फिर काफ़ी ही वॉज मिस्टर ग्लैडरैक्स, फैशन शोज बहुत कर चुका है, उसका अपना एक एक्सपीरियंस है, अपने वर्कशॉप्स उसने काफ़ी सारे कर चुका है. सो आई थिंक ही इज़ द राइट पर्सन टू गेट द राइट ब्रेक. एंड दैट्स हाउ बॉबी विच इज़ प्लेइंग द मेन लीड एंड आई एम प्लेइंग हिज मॉम, शॉट इन द डार्क हेरा. Lovely talking to Filmy Bean. Mwah. Take care. See you.